हाँ जी शहजाद मियाँ, कहाँ की तैयारी है? सर हमारे आप तो बताए, वो जहाँ का बोलते हैं हम गाड़ी का हमारा काम होता है रेडी करना। चमका दिया आपने फुल आज गाड़ी को। जी जी साहब ने बोला कि गाड़ी अच्छी चल रहा है। जी क्या हाल? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कहाँ की तैयारी है? गाड़ी में बैठ जल्दी जल्दी बता दो। मैं भी किसी को यही कह रहा था कि बच्चों के दिलों में ना, बच्चों को आप अटेंड करनी पड़ेगी। फिर व्हाट्सएप है, आप रणवीर सिंह से मिले थे। This is a beast. This is the only one. Climate change हो गया है। I hope we live. दानिश भाई क्या सरप्राइज दिया आपने भाई? ये मजा आया तुम्हें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज दानिश खान ताफो। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ड्राइव विद ताफो, पावर्ड बाय कैमियन फार्मा। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, इट डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। और जब ये होस्टिंग करते हैं तो उसमें कमाल करते हैं, जब ये एक्टिंग करते हैं ड्रामे में या कोई प्रोडक्शन करते हैं तो वो ड्रामा कमाल कर जाता है, मूवी करते हैं तो वो सुपर डुपर हिट हो जाती है। समझ आप लोग गए होंगे, ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी एंड ही इज़ ऑल्सो माई इंस्पिरेशन और आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। मेरे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली दी मेगा स्टार फहद मुस्तफ़ा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फहद भाई। ऊबर आ जाए, ऊबर ऊबर। ओह माय गॉड, फहद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बिजी स्केड्यूल तुमने ये शुरू किया माशाल्लाह, एंड आई हैव सीन इट, इट्स लवली। बहुत जबरदस्त, यू सपोर्टेड अ लॉट फहद भाई। आपने मेरी जिंदगी बहुत सारी चीजों में सपोर्ट किया है। रियली? हां, आपसे मैं चीजें पूछता रहता हूं। हां बार बार, अब पता नहीं मैं सही बताता हूँ। नहीं सही जा रहे हैं, अभी तक सही जा रहे हैं हम। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। फहद भाई क्या, आर यू इनटू कार्स? है आपको शौक गाड़ियों का? यार आई डोंट नो मच अबाउट कार्स, बट आई जस्ट लव द वे कार्स लुक। तो बाय द लुक ऑफ कार्स आई काइंड ऑफ यू नो लव देम। फहद भाई एक बात बताएं, एक छोटा सा सवाल था मेरा। आप माशाल्लाह गए, आपने दुबई में जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया एक आईफा अवार्ड्स है, देखो फिल्म फेयर अवार्ड्स में आप गए, आप रणवीर सिंह से मिले थे। जी जी जी। तो कुछ आपकी 10 सेकंड्स की कोई इंटरेक्शन हुई उससे, मैंने देखा, उसमें क्या बात की आपने उससे? कुछ नहीं, हमने सिंधी में बात की, हम सिंधी में बात कर रहे थे, बिकॉज़ रणवीर इज सिंधी, सो इज गोविंदा। वाकई में? या या, सो दे नो सिंधी। अच्छा, तो इट वाज जस्ट दैट सिंपल, कैजुअल टॉक थी, कैजुअल इंटरएक्टिव। बट आपने बोला क्या, वो क्या बात थी जो आपने बोली? इट वाज जस्ट दैट के उस तरफ आप सिंधी, इस तरफ मैं सिंधी, सो दैट्स व्हाट इट वाज। सो ही जस्ट लाफ्ड इट ऑफ। और वन मोर थिंग फहद भाई, ये बताएं कि आपने गोविंदा को ऑन स्टेज बोला कि जी आप जो है ना वो इंस्पिरेशन है हमारी। आई स्टार्टेड एक्टिंग इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज़ ऑफ गोविंदा सर। तो यहाँ पे जो हमारे स्टार्स हैं, जावेद शेख हैं और बाकी सारे हैं जी, तो वो नहीं हुए कि यार आपने हमारा नाम। शेख साहब की तो अगर तुम मेरे सारे इंटरव्यूज उठा के देखो तो मैं तो सिर्फ शेख साहब के बारे में बात करता हूँ। आप कहते हैं जोड़ी भी मेरी उनके साथ। आई थिंक ही इज अ जेन्युइन जेन्युइन सुपरस्टार, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिसका जो डिजर्व करता हो ना, जो जो इज्जत वो उसको देनी चाहिए। बिल्कुल, उसमें शर्म क्या है? अगर कोई एक बड़ा आर्टिस्ट है और बहुत बड़ी बात है तो आपको उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर हम उनको नहीं देंगे तो वो हमारे लोगों को कैसे देंगे? क्या उन्होंने जावेद शेख को बुला के रिस्पेक्ट नहीं दिया? बिल्कुल नहीं, बहुत ही। सो आई थिंक ये कोई इसमें इतना इज्जत देने में क्या परेशानी है? इज्जत वैसे भी अल्लाह के हाथ में। फहद भाई बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे। फहद भाई सिंस आई फॉलो यू, आपको शायद याद भी ना हो, मैं तो काफी आपको, मैंने आपको बताया आप इंस्पिरेशन है मेरी,
फाद भाई एक कैमरा मैन था समर टीवी का, आई थिंक जी, उसने शायद आपसे बदतमीजी की थी किसी शो में, ARY का कोई शो था क्रिकेट रिलेटेड था, तो आपने उसको जवाब को जैसे, बट वो बदतमीजी पे आ गया था थोड़ा। मोहम्मद आमिर नहीं है बॉलर, नहीं बात करूं मैं, बात कर लूं फिर बैठ जाएंगे, बात कर लेंगे लंबी बात। देखो ऐसे लोग आपको बहुत मिलते हैं लाइफ में, आप हर किसी को अब क्या याद रखें और क्या, एक एक्टर के लिए ना एक सबसे बड़ी बात होती है कि हमेशा एक्टर ही गलत होता है, क्योंकि वो एक नॉन पर्सनैलिटी है, लोग उसको ज़्यादा जानते हैं, तो उसकी उसकी बात नोटिस ज़्यादा होती है, तो अगर हमारी वजह से कोई और नोटिस हो गया तो चलो ये भी एक अच्छी बात ही होगी। बात भाई मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा स्कूलिंग कहाँ से हुई है, हम दोनों एचएसओनियंस हैं, एचएसएन मॉडल स्कूल कराची ब्लॉक 8। ऐसा मुझे किसी ने कहा पूछने को, इनफैक्ट मेरे फादर ने मुझे कहा, मेरे फादर, अब मैं ऑन द कैमरा के, मेरे फादर मुझे हमेशा बोलते हैं यार इतनी अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, हम उसके लिए दुआ करते हैं हर नमाज में, अल्लाह पाक ने उसके अंदर गुरूर नहीं डाला फिर भी, तो डिसिप्लिन चाहिए ना तो फात मुस्तफा से सीखो, वो हर किसी को ये कहते हैं, डाला भी तो उन्होंने ही है, वो यही कहते हैं यार इसका सिर्फ एक मसला था, वो मिक मसूदा थी, आई डोंट नो अल्लाह उनको जिंदगी दे, कहते हैं यार वो से बोलती थी कि सर इसके बालों का मसला, आप क्यों उसकी सिफारिश करते हैं, अब वो कहते थे यार बच्चा है कटवा लेगा, खैर है अच्छे बाल होते थे ना, कहते थे यार सिल्की बाल होते थे इसके, सिल्की बाल होते थे तो वो वाला एक चक्कर होता था, बट आई थिंक वी वर वेरी लकी उस टाइम पे, क्योंकि टीचर्स आपसे मोहब्बत करते हैं, ये बड़ा रेयर होता है, तो आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट बट येट आई वॉज लव्ड बाई ऑल दीज हमारे टीचर्स। फाद भाई आपने मूवीज़ की हैं माशाल्लाह, एक्टर इन लॉ की, नामालूम अफराद की, बहुत सारी मूवीज़ हैं और सारी सुपरहिट हैं जी, तो मेरे हिसाब से तो सुपरहिट इसलिए उसमें फाद मुस्तफ़ा है जी जी, तो कौन सी ऐसी मूवी है जो आप बोलते हैं कि यार हाँ ये मूवी जो है ना मेरी वाकई इसमें मैंने जान लगाई थी और मज़ा आया मुझे भी और ये होनी थी सुपरहिट, पहले से मुझे पता था यार मूवीज़ मैंने सारी ऐसी की हैं जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो मैं अदरवाइज मैं करता नहीं हूँ, मैं तो बताऊँ मैंने बहुत सारी फिल्म इस मुल्क में ऐसी बनी जो मैंने नहीं की और उनके बाद उनके बारे में कोई जानता भी नहीं है, उन फिल्म के बारे में तो सही नहीं की मैंने, तो जो मैंने की उनके बारे में सब जानते हैं, सब ने देखा, सब ने पसंद किया। आई डू फिल्म आउट ऑफ पैशन, पैसों का मामला नहीं होता फिल्म को लेके जी, तो वो दिल से करता हूँ मैं, तो उसका एक अलग ही चीज़ है, चाहे वो कायदे आज़म हो, चाहे वो लॉर्ड वेडिंग हो, एक्टर इन लॉ, चाहे वो एक्टर इन लॉ हो, इवन चाहे नामालूम सीरीज़ हो, ये सब जो है ना बहुत दिल से हुई हुई फिल्में और लोगों को आज भी याद है और लोग जो है पसंद, मुझे देख के लोग कहते हैं कि आपकी फिल्म लगती है, तो मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, बाकियों की आई डोंट नो, तो ये कॉम्प्लीमेंट ही है हमारे लिए, चलो अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, तो बच्चे हो बड़े हो सब। Where do you see yourself in next 10 years? आप कहाँ, आपका क्या प्लान है कि कभी आपने जाना है कि मैं बॉलीवुड में जाके काम करूँ ऐसी कोई चीज़? यार नहीं, मैं तो बताऊँ बॉलीवुड ये हमारा और इंडिया का जो एक ताल्लुक है ना, ये बड़ा एक खट्टा मीठा सा ताल्लुक है, तो ये आपको आपको पढ़ना नहीं चाहिए इस मकसद में, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि ये 2 साल से ज्यादा चलती नहीं ये वाली जो चीज़ है कोई भी करियर, क्योंकि पॉलिटिक्स आ जाती है फिर बीच में, ये खित्ता चलता ही इस पॉलिटिक्स पे, सही बात है, अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट इंडिया, दिस इज हाउ दिस रीजन वर्क्स, तो वो ज्यादा से ज्यादा चल नहीं सकता, तो आप एक अपनी स्टेबल प्रोफेशन यहाँ छोड़ के आप स्टेक्स पे नहीं लगाते, और आई थिंक फादर आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत मुझे शौक भी नहीं रहा, मैं तुम्हें सच में बताऊं कि सब गए हुए थे जब तब भी आप नहीं गए, आई एम श्योर आपको ऑफर्स होंगी, आप नहीं गए उस वक्त, मुझे लगता है उस वक्त यहाँ ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी जी, एंड यू अवेल्ड देम, तो हमने उनको अवेल किया और वो लोगों को पसंद आई, जो इंडस्ट्री मुझे लगता है बनी वो उसी टाइम पे बनी जब सब यहाँ से जा रहे थे जी, तो जो यहाँ रह गए उन्होंने इंडस्ट्री बना दी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा मूव था हमारा, कि एटलीस्ट आज 7-8 फिल्म्स मेरे करियर में हैं, सब हिट हैं, वो लोगों को याद है, आज आप भी उसके बारे में बात कर रहे हो। फाफे एक बात बताएं छोटी सी, कभी कोई स्कैंडल नहीं बना आपका, तो आप शरीफ हैं या खामोश हैं? दोनों। मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि हम जिम जाते हैं साथ, तो मैं ये देखता हूँ कि आप पूरे जिम को आसारे होते हैं, हाँ पूरा जिम जो है ना वो आपका इंतजार करता है कि यार फाज भी आएंगे तो मॉल चेंज होना है अभी, ऐसे ही है ऐसे ही है। अच्छा मैंने एक चीज नोट की, जिसको कोई नहीं पहचानता ना वो बहुत गुस्से में रहता है, उसका एटीट्यूड अलग होता है, तो जिसको लोग पहचान लेते ना फिर वो वैसे डरा डरा सा रहता है कि यार मेरी जान छूटे किसी तरीके से, तो मैं वैसे ही सबको बड़ा वो कर देता हूँ ताकि वो एक इक्वेशन खत्म हो जाए आपकी कि कोई एक्टर है या तो, और तुम नोट करते हो कि जिम में फिर लोग भूल भी जाते हैं, बड़ा नॉर्मल हो जाता है, मैं तो इसलिए नोट कर सकता, आप मुझे रगड़ा इतना देते हैं, चलो दानिश कर करके जो आप आवाज लगाते हैं, तुम गजा रहे हो जिम आजकल, हां तुम फिट लग तो रहे हो, नहीं नहीं यू लुक फाइन, नहीं यू लुक गुड। फाद भाई एक और चीज, मैं अगर ये बात कहूं तो आई एम श्योर ये गलत नहीं होगी कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जीतो पाकिस्तान है। एब्सोल्युटली बिल्कुल,
और आपका प्लान है कि इंशाल्लाह अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे, आपने आगे वही कंटिन्यू करना है शो जब तक चल रहा है? यार शो को मैं कंटिन्यू नहीं करता, शो मुझे कंटिन्यू करता है, मैं तुम्हें बताऊँ। वरना शो तो मैं पहले दूसरे साल में ही मेरा दिल था कि बस चलो बस हो गया ना, अब आगे खत्म करें इसको। बट देन इट्स समथिंग दैट पीपल लव सो मच, और स्पेशली इन रमजान तो जी 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 एक लोगों पूरी महफिल लगती है, बैठ के सब देखते हैं कि भाई जीतो पाकिस्तान स्टार्ट हो। तो वो महफिल किसी की क्या खराब करें, जब तक वो महफिल लगी हुई है तो वो, बट माय मेन फोकस जीतो रमजान जो होता है ना वो एक्चुअली रमजान में ही होता है, आई एम वेरी ऑनेस्ट। बाकी तो बस शुगल है चल रहा होता है, और बाकी रमजान की उसकी एक अलग फील है, तो मुझे फील भी नहीं होता। एज यू नो आई एम इनटू कार्स, मुझे शौक है गाड़ियों का बहुत ज्यादा। हां जी बिल्कुल। तो एक मैं ड्राइव पे आपके साथ एक रन देता हूँ, फिर आपने चलानी है गाड़ी। अच्छा मैं चला, अपनी गाड़ी है आपने चला। It was at this moment that he knew he f***ed up. तेरी खैर, सही है बात भाई, मार दिया। देखो कुत्ता भी परेशान है, कुत्ता भी परेशान है, कहाँ से है, लेकिन उसमें दिल है। देखो फाद भाई, मुझे ऐसा लगता था आपको स्पोर्ट्स कार का भी शौक है। यार मुझे शौक सारे हैं, लेकिन हमारा मुल्क बहुत सारी चीजों की इजाजत नहीं देता आपको। हाँ, देखो देयर इज अ प्रॉब्लम, एक तो आपकी गाड़ी देखते हैं लोग पहले ना जी, तो एक ऑलरेडी एक आपका आई बॉल्स मिल जाता है। फिर वो तो सबसे पहले बोलते हैं आराम के पैसे हैं इसके पास। नहीं वो तो एक चलो अलग बात है, पर फर्क आपका ज्यादा हुआ है फाद भाई, मैंने देखा है आप कराची की सड़कें हैं उनका रीजन, सड़कें नहीं है फाद भाई, कार ब्रेकर्स बने हुए हैं इधर, वही ना मतलब। हां एग्जैक्टली, तो बंदा वो क्या करे। इनफैक्ट आज मैं वो देख रहा था, वो ऑडी जीटी मेरा बहुत दिल है लेने का जी जी जी, तो मैं रास्ते में था तो मेरे आगे एक कोई और चला रहा था उसको, तो वो बेचारा गैस स्टेशन से उतरा, उतरते ही नीचे उसकी टकराई, फिर नीचे एक और चीज से टकराई, तो वो एक मुश्किल में था। आप मत लीजिएगा, मैं बस वही, तो मैंने कहा मुझे जवाब मिल गया कि ये जो है ना, नहीं वो असल में इश्यूज बहुत सारे हैं अभी उसमें, आपके चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, पोल्स नहीं है इधर, आप तंगी होते रहेंगे उसमें। बट सड़कें मेन इशू, अगर आप चला रहे हो और आपको वो ड्राइविंग प्लेजर ही नहीं मिल रहा जी, बेसिकली उसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत कम है, क्या करेंगे आप, वो वाला चक्कर बहुत फास्ट भाई। आई वुड रिक्वेस्ट यू ड्राइवर चेंज हो गया है, आई होप वी लिव। F1 के ड्राइवर बैठ गए। Let's see, अब ये रिवर्स तो नहीं है, नहीं फर्स्ट है। ओके, क्या हम जा सकते हैं? हाँ भाई, आप कह रहे थे मुझे शौक नहीं है, मुझे डर लग रहा है। चला तो लेते हैं यार, ऐसा तो नहीं है। अब देखो, now this car is something जो कि आपके पास होनी चाहिए। Nice, very good. तो ये गाड़ी फिर तुम बेच रहे हो इसको? नहीं 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 फादर भाई, नहीं गाड़ी नहीं बेचता मैं। तो ये कितने की गाड़ी है फादर भाई? मैंने ली थी। अच्छा, इसका वैसे क्या मेंटेनेंस का क्या इसका खर्चा फादर भाई? टोयोटा है, बेसुकून है, पेट्रोल हाई ऑक्टेन डलता है, और बस मैं चलाता हूँ, और काफी तेज है गाड़ी। है यार तो अच्छी गाड़ी है। मैं बेचता नहीं हूँ फादर भाई गाड़ी, मिलती नहीं है गाड़ी दोबारा। जितना पछताया ना अपना वो फंकी बेच के, बाद में नहीं बेचना था वो, बस वो बहुत गलती हो। आप हो गया, मजा आया? बिल्कुल मजा आया। कैसी रही ड्राइव? अच्छा, क्या कह रहे थे फाद भाई? सुपर मेगा स्टार है, मेरा मजा ही आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अमेजिंग है, मैं पूरी फैमिली से मिला हूँ, आप लोगों के सामने मिला हूँ, मैं सुपर पैसा हूँ। गाड़ी चला के मजा आया आपको? Oh yes, it was actually fun. I just told him कि भेज दो मुझे, इन कह रहा मैं गाड़ी भेजता हूँ। लेकिन मैंने ये भी बोला आप ले ले ऐसे। हाँ, आप ले ले ठीक है। चलो सर, it was nice meeting you. Thank you. अपना ख्याल रखें। बात भाई, thank you very much for your time. आपने मुझे पता है बड़े busy schedule से time निकाला मेरे लिए। Thank you. खुश रहें, अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे। और फाद भाई हमारे को-स्पॉन्सर सर रवाब रफी, उन्होंने एक गिफ्ट भेजा आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके लिए लाया था।
Thank you, sir. God bless you. Push for you. Thank you. Okay, guys. Bye bye. Thank you. ओके दानिश भाई, शूट आया। बहुत ही ज्यादा मजा आया। बिहाइंड द कैमरा जो होता है ना, ज्यादा मेहनत होती है। मेहनत करता रहे बस, ठीक है ना? बिल्कुल 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 यही एंड करते हैं इसको। बिल्कुल और आपको कितना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। दिस इज अ गुड कार भाई, आप रखे, मैं क्रूजर पे जा रहा हूँ। मुझे ऐसी ढूंढ दे,